मिंटू सिंह, आप देख रहे हो फास्ट न्यूज इंडिया और आइए आज के तमाम बड़े मुख्य खबरों पर नजर डालते हैं। पीड़ित महिला ने लगाई थाने में गुहार। जी हां, उत्तराखंड के गदरपुर में लखनऊ कॉलोनी वार्ड नंबर 2 की महिला ने अपने परिवार वालों से तंग आकर थाना अध्यक्ष जसविंदर सिंह के पास अपनी गुहार लगाई और रोते हुए उनसे मदद की मांग की। आपको बताते चले कि नाइमा नाम की इस महिला ने अपने पति सदाब और अपनी सास बब्बू और नंद गुलशन पर आरोप लगाते हुए कहा कि मुझे यह 2 दिन से खाना नहीं देते और छोटी छोटी बातों पर लात घूंसे झाड़ू चप्पल से मारते पीटते हैं, जिसमें थाना अध्यक्ष ने आश्वासन देते हुए कहा कि दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। उत्तराखंड से हमारे संवाददाता सानूर अली से बात करते पीड़ित महिला और डॉक्टर दिलसाद। 3-4 दिन से नहीं खाती, हमारे परेशान करता है, सास मारती है, आदमी मारता, सास मारती है, नंद मारती है, सास ना खाना ना दिया, पेट भर का मारती है, नंद मारा, घर से निकाल दिया बाहर, ना बिल्कुल ना देते हैं सब, वो अच्छी खा मुझे चटनी से देते हैं, ऐसे मंगाते हैं, मैं कैसे क्या कहते हैं, ना ला कर देती हूँ तो मारते हैं, परसों मारा झाड़ू से और भूसों से, दांतों से मारा, भूसों से, मोहल्ले का आते हैं तो क्या कहती हैं कि वो हमें वो है वो कहते रहे आ रहे हो, इधर का वाला कोई जाता नहीं है, सब साथ दे मेरा मोहल्ले वाले। 3-4 दिन से खाना ना खाया, नईमा का आदमी और नईमा का ननद और नईमा की सास आज दिन इसे जो है मारते रहते हैं, मोहल्ले वालों ने बचाया इसे, परसों इसे बहुत ज़्यादा मारा, मोहल्ले वाले जो हैं बचाने के बाद में अपने घर को ले गए और वो घर से जो है ताला लगा के ननद भी और सास भी उसकी और उसका आदमी भी घर से भाग गया है और एस ओ साहब के पास आए हैं। एस ओ साहब ने प्रार्थना पत्र ले लिया है और आश्वासन दिया है कि हम उसके साथ में कानूनी कार्रवाई करेंगे। ऐसी वीडियो वायरल जो कि इंसानियत को तार तार कर दे। जी हां, उत्तराखंड के उधम सिंह नगर के गदरपुर थाना क्षेत्र में चोरियों का ग्राफ दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। आरोप है कि 12 जुलाई को 3 युवकों ने द्वारा सीरिया चोरी किया गया था, वहीं स्थानीय लोगों ने इन्हें पकड़कर तीनों युवकों को बंधक बना लिया, फिर उन्हें बांधकर डंडों चप्पल से सिर पर पांव रखकर बुरी तरह से मारा और पीटा, मारपीट करते हुए इंसानियत की सारी हदों को पार कर दिया। बुरी तरह पिटाई कर लोगों ने पुलिस के हवाले कर दिया था, जिसको पुलिस ने भिन्न धाराओं में 3 आरोपियों को जेल भेज दिया, लेकिन मामले में नया मोड़ उस वक्त आया जिस वक्त इन तीनों के साथ हुई मारपीट का वीडियो वायरल हुई। अब पुलिस वायरल वीडियो के आधार पर चिन्हित कर कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है। उत्तराखंड से हमारे संवाददाता सानू अली से बात करते समाज सेवी टोनी पठान एवं थाना अध्यक्ष जसविंदर सिंह। चानन सिंह और उसके साथी इन तीनों बच्चों को किलेखेड़े से सरिया वरिया के काम के लिए लेके गए थे, फिर वहाँ पे जो है चोरी का इल्जाम लगा के लड़कों को पूरी तरीके से पीटा और उनके कपड़े उपड़े उतार के उन्हें बहुत बुरी तरीके से मारा और उसके बाद में जो है उन्हें जेल थाने ला के पुलिस के हवाले किया और वो जेल चले गए। उसके बाद में इन्होंने 13 तारीख में एक वीडियो जो बनाई थी पूरे लड़कों की वो वायरल करी, वो हमने देखी तो लड़कों को बड़ी बेरहमी से पीटा और वीडियो बना के जो वायरल करी उससे पूरे क्षेत्र का माहौल खराब करने की कोशिश करी है और चोर थे या वो साथ है उसका काम पुलिस का है, जो पकड़ के पुलिस को देते तो पुलिस इसका वो करती कि इन्होंने चुराया नहीं चुराया, उन्होंने खुद मनगढ़ंत कहानी बना के लड़कों को फंसाया और वीडियो बनाकर पूरे क्षेत्र का माहौल खराब करने की कोशिश करी, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी। एसओ साहब ने पूरा हमें सहयोग दिया है और जो है उसके लिए हमारा मुकदमा भी लिखा जाएगा या तहरीर सौंपती है इनके परिवार वालों को। इसी तरह उसमें जैसे जिसका भाई पकड़ा गया शेर खान को, उसके भाई ने जब वो वीडियो देखी तो उससे उसके भाई की मौत हो गई, कल उसके भाई की भी मौत हो गई, वो भी ड्राइवर करता था बेचारा और एक मजदूर आदमी था, वो भी इसके सदमे से मर गया। हमें पूरा न्याय मिलेगा, हमारे जो एसओ साहब हैं जसविंदर सिंह जी, उन्होंने पूरा आश्वासन दिया, हमें मुकदमा लिखा जाएगा और आगे कार्रवाई पुलिस करेगी। की घटना है, एक हरिपुरा मस्जिद गांव के अंदर कुछ ग्रामवासियों के द्वारा 3 लोगों को पकड़ के थाना में दाखिल किया गया था, उनके द्वारा बताया कि ये रंगे हाथ चोरी करते पकड़े गए थे और उनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत और जेल भेज दिया गया, लेकिन वीडियो वायरल होने के बाद आज उनके परिजन थाने पर उपस्थित हुए हैं, उनके द्वारा बताया गया कि दौरान गिरफ्तारी पब्लिक ने उन्हें बुरी तरह मारा पीटा गया, उसके संबंध में दहेज पर उचित कार्रवाई करके जो भी है समझ में कार्रवाई की है।
जरिए मीडिया ये बात पे पता लग पाई थी, वीडियो देखकर मुझे जानकारी मिली और आज इसके संबंध में तहरीर भी संख्या तो करीब 15 से 20 से अधिक भी हो सकती है, और वीडियो की जांच करने के बाद ही बेहतर पता लग पाएगा कितने लोगों द्वारा वो घटना परिभाषा के ये थे अभी के समाचार। जानेंगे आगे के समाचार एक छोटे से ब्रेक के बाद। सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त फोर्स ऑन सिक्योरिटी फैसिलिटी सर्विस वी प्रोवाइड ऑल टाइप सिक्योरिटी बॉडीगार्ड बाउंसर एंड सिक्योरिटी गार्ड कॉन्टेक्ट ऑन 8317070751 9919229153 and 9696859393। विगत 1.5 दशकों से पूर्वांचल का लीडिंग प्रोफेशनल एवं टेक्निकल कॉलेज माइक्रोटेक कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी वाराणसी उपलब्ध करा रहा है भारत सरकार से मान्यता प्राप्त प्रोफेशनल एजुकेशन, कंप्यूटर साइंस, मैनेजमेंट साइंस, बायोटेक्नोलॉजी कोर्सेज, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा एवं ITI में सबसे सॉलिड प्लेसमेंट रिकॉर्ड के साथ। वाराणसी और जौनपुर कैंपस में एडमिशन हेतु संपर्क करें माइक्रोटेक कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी जौनपुर में मुर्तजाबाद मुफ्तीगंज केराकत तथा वाराणसी में मलदहिया लंका एवं 52 बीघा। ब्रेक के बाद पुनः सभी का एक बार फिर से स्वागत है। सफाई कर्मी राजेश यादव के लिए रखा शोक सभा। जी हां, जौनपुर के परसट्टी थाना ब्लॉक पर शोक समारोह का कार्यक्रम हुआ, जहां पर पंचायती राज ग्रामीण के सभी सफाई कर्मी कर्मचारी मौजूद रहे। मुख्य अतिथि राजेश कुमार, सहायक विकास अधिकारी, बसठी सफाई कर्मचारी अध्यक्ष सुनील कुमार दुबे आदि सभी सफाई कर्मचारी विकास खंड करंज कला के ग्राम पंचायत मलहनी में तैनात रहे। राजेश यादव की रात में किसी ने गला रेत कर हत्या कर दी, जिसमें सभी सफाई कर्मी 2 मिनट का मौन रखकर उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना किया। जौनपुर से हमारे संवाददाता पवन धीवर की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं कुंदी को फास्ट टू यू जैसे समय में जौनपुर बरसठी थाना यानी पर अंतर्गत ब्लॉक में मौजूद हूँ। बरसठी ब्लॉक के आज जानते हैं कि शोक सभा का कार्यक्रम रखा गया था, क्या सर ये उत्तर प्रदेश ग्रामीण पर सफाई कर्मचारी संघ के करंजा कला ब्लॉक के राजेश कुमार यादव की निर्मम हत्या की गई, जिसके कारण हम लोग ब्लॉक पर आज उनके श्रद्धांजलि समारोह आयोजित करके उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किए। राजेंद्र प्रसाद गौतम, उपाध्यक्ष विकास खंड बरसठी पंचायती राज ग्रामीण पर। कितने तारीख हैंडपंप खराब होने से दुकान व्यापारियों में रोष। जी हाँ, बिजनौर के मंडावली क्षेत्र ग्राम तिराहा काटपुर में हैंडपंप खराब होने से दुकान व्यापारियों में रोष व्याप्त हो गया। दुकानदारों ने बताया कि हैंडपंप पहले 4 लाइन में था, इसके बाद उखाड़ कर अलग जगह पर रख दिया गया। लगाते समय थोड़ी देर तो सही चला, मगर बाद में फिर खराब हो गया, जिसके कारण दुकानदारों व राहगीरों को पीने का पानी नहीं मिल रहा है। करीब 4 दिन हो चुके, दुकानदारों ने 4 लाइन के जेई अभिषेक से फोन पर संपर्क किया तो दुकानदारों को बताया गया कि हम इसको दिखा देंगे, मगर 4 दिन हो चुके नल सही नहीं हो पाया, जिसमें दुकानदारों को बाहर के गांव से पानी लाना पड़ रहा है। बिजनौर से हमारे संवाददाता कुलदीप त्यागी की रिपोर्ट। चलो पहले आप बोल रहे हैं। पहले हाँ, आप अपना परिचय देंगे। मेरा नाम नई मोहम्मद निवासी भागपुर, और इस नल के बारे में, ये जो नल था पहले सड़क में था, उससे उठ के 4 लाइन वालों ने इधर बिल्कुल साइड में 6 लाइन छोड़कर डाला, लेकिन ठेकेदार का कहना है कि ये नल हमने लगा दिया और 1 घंटे के बाद चलाना, 1 घंटे के बाद नल चलाया तो यहाँ पानी नहीं देता। उसके बाद 4 लाइन वालों से शिकायत करी, लेकिन शिकायत करने के बाद भी कोई कानूनी कार्रवाई इस पर नहीं हुई है। और ये अड्डा जो है बहुत सदियों पुराना अड्डा है, यहाँ कम से कम 7-8 गांव का सेंटर पड़ता है, और यहाँ जो सवारियाँ लोग आते रहते हैं, आज इतना हाहाकार मचा हुआ है कि यहाँ पानी से सब लोग परेशान है। पानी आपको मिल नहीं रहा? पानी नहीं मिल रहा भैया, सारे आदमी परेशान है। कितने दिन हुए? 4 दिन हो गए, 4 दिन से नल उखाड़ के यहाँ खड़ा कर गए वो, और उसके बाद अपना कोई करवट डेली। तो आप पानी कहाँ से ला रहे हैं? पानी कोई बेचारा अपने घर से ला रहा, कोई गांव इधर से ला रहा, कोई इधर से ला रहा, तो यहाँ
बारिश का पानी पीने को लोग तैयार है बेचारे, गर्मी में और क्या कर हाहाकार मच रहा, बच्चे परेशान, बूढ़े परेशान, आने जाने वाली सवारी परेशान। चलो आप कितनी दुकानें होंगी आप दिखाएं हमें, दुकान में वीडियो बना सबकी वीडियो बना लो, बड़ी क्वालिटी बना लो। इनके भी लोग बहुत दिन से प्यार से हैं, कई होगा पानी ना। अपना परिचय देंगे उसके बाद आप बताएंगे कि आपको क्या दिक्कत है दुकान पर। हाँ मंदिर से मेरा नाम है, दुकान है मेरी, पानी की बड़ी दिक्कत आ रही है और आपसे कह रहे थे एक दिन बाद चलाना पानी दिया नहीं चलना से आपका नल फट पड़ा हुआ है। एक ही नल है, कोई आ कर नहीं देख रहा। ना, नहीं कोई नहीं आया। आपने किसी को अवगत कराया? प्रधान कराया, प्रधान क्या बोलते हैं वो? प्रधान जी को भी कहा, प्रधान बोला, प्रधान जी ने, प्रधान जी ने कह दिया। बोले बहुत बहुत धन्यवाद आपका। विशाल पेड़ गिरा तो तारों को लिया चपेट में। जी हां, प्रयागराज में भारतीय भवन पुस्तकालय के सामने एक विशालकाय पेड़ गिर गया जिसमें बिजली के तार पोल उखड़ गए और टूट कर जमीन पर गिर गई। पेड़ टूटने की सूचना मोहल्ले में सभी को दिया गया तथा पेड़ गिरने से एक व्यक्ति घायल हो गया जिसमें उसके सर और हाथों में चोट आई। मौके पर स्थानीय नागरिकों ने आगे बढ़कर पेड़ को हटाने का प्रयास किया। मौके पर SBI थाना कोतवाली की पुलिस टीम और सिविल डिफेंस कर्मचारी मौजूद रहे। इसमें सूचना अनुसार दो लोगों की चोट आई जिन्हें पास के अस्पताल में इलाज के लिए भेज दिया गया है। प्रयागराज से हमारे संवाददाता रानू सिंह से बात करते SDM। ये क्या है, कैसे गिरा ये? ये बरसात की वजह से लगभग 150-200 वर्ष पुराना पेड़ था पीपल का, जो कि सड़क की ओर एकदम एक बार की गिर गया। इसके गिरने से राहगीर में पति पत्नी दोनों एक्टिवा से जा रहे थे जो उसके नीचे दब गए। उनके दो छोटे बच्चे भी थे, वो लापता हैं, अभी तक उनकी जानकारी नहीं है। पति पत्नी को उपचार के लिए कालविन हॉस्पिटल भेजा गया है। क्षेत्रीय जनता ने, यहाँ के लोगों ने बहुत ही सहयोग किया और लोगों को हताहत होने से बचाया। मैं पार्षद सत्येंद्र चोपड़ा चौक। ये पेड़ गिरा, ये कौन सा पेड़ है? ये पीपल का पेड़ है। ये जगह जगह क्या नाम है? बैंक चौक हरी नमकीन मसाले की दुकान के ठीक सामने है ये। ये क्या कितना पुराना पेड़ होगा? लगभग ये लगभग कम से कम 40-45 साल पुराना पेड़। एक आइडिया है मतलब इसके बारे में तो बिल्कुल, यहाँ जो रहने वाले वो बता पाएंगे कितना पुराना पेड़ है। अच्छा, पेड़ गिरने के बाद रात कार के लिए कौन कौन आए हैं? देखिए, राहत कार के लिए यहाँ सबसे पहले हमारी 100 नंबर की गाड़ी आ गई, कोतवाली इंस्पेक्टर आ गए, उसके पश्चात हमारे CO साहब आ गए और उन्होंने तत्काल राहत कार चालू कर दिया। जो भी उनको मिला, यहाँ तक कि कटहल से जो कटहल काटने वाली छुरी है सबसे पहले लेके उससे उन्होंने चालू किया कि किसी तरह हमें जो है राहत दिया जाए। उसके बाद नगर निगम और भी विभागों को सूचना किया गया और सब मौके पर आ गए। नगर निगम कर्मी मौजूद हैं? नगर निगम के अधिकारी यहाँ आ गए। आपका नाम? धर्मेंद्र कुमार निषाद, स्टाफ ऑफिसर चौक प्रखंड प्रयागराज। के लिए जा रहा था, एक गाड़ी तेजी से गिरने की आवाज़ आई, अब देखा ये बहुत पुराना पेड़ था, ये गिरा हुआ था। अपना तभी लोगों में मची, बल्कि लोगों ने बताने का कार्य जारी किया। दो लोग जो हॉस्पिटलाइज थे उनको तत्काल हॉस्पिटल भेजा गया, सरकारी मुहैया के साथ सारे लोग मदद की तरह लगे हुए और बचाने का काम जारी किया। मेरा नाम राकेश। सर, आज यहाँ पर पेड़ गिरा है, इसमें क्या क्या सुविधा दी गई है? सभी संबंधित टीमें आ गई हैं, पुलिस की टीम है, नगर निगम टीम है, फॉरेस्ट विभाग के लोग आ गए हैं, सब है यहाँ पे, सभी लोग लगे हुए हैं, जितना भी
जल्दी हमारे प्रयास यही है इसको पेड़ को हटाकर ये खाली कराए ताकि आपूर्ति नहीं हो बाधित हुई। क्या कोई हताहत भी हुआ है सर इससे? आए थे जिनको काफी साल भर्ती कराए गए, उनको सर क्या सुविधा दी जाएगी? कोई सुविधा दी जाएगी, उनके इलाज हो रहा है उनका पूरी तरह से अच्छा इलाज की व्यवस्था कराई जाएगी और उसको देखने के लिए मुझे आए। सर ये टीम कब आई है यहाँ पे पेड़ गिनने के? कब आई है? आपका परिचय सर? आगे खबरों का सिलसिला लगातार ऐसे ही बना रहेगा, आप कहीं मत जाइए, बने रहिए फास्ट न्यूज़ इंडिया के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, धन्यवाद।